नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। सबसे पहले हम सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँगा। इसरो ने कर दिखाया है, चांद पर भारत का झंडा लहराया है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है। तो हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल में बारिश ने फिर मचाई तबाही, एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत, 17 मकान ढहे। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच मंगलवार रात और बुधवार को हुई भारी बारिश ने फिर तबाही मचाई है। खराब मौसम के चलते प्रदेश में एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग लापता भी हैं। शिमला के बल्दिया में दंपति की मौत हुई है। जुनगा में 5 साल के बच्चे पर गेट गिरा है। मंडी में नाना धोती, ताई भतीजी समेत 8 की जान चली गई। मंडी के कुकलहा में स्कूल भवन और खोला नाला में 50 बकरियां और 2 दर्जन मवेशी बाढ़ में बह गए हैं। प्रदेश में 17 मकान ढह गए जबकि 105 क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश और गर्जना ने लोगों को डरा दिया है। शहर के अधिकांश लोगों ने मंगलवार की रात जागकर काटी। मंडी में होटल पर बिजली गिरने से लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिला की ग्राम पंचायत करसोड में 5 मकान बह गए। प्रदेश में बुधवार शाम तक 5 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें बंद रही। 1366 बस रूट और 636 पेयजल योजनाएं बाधित रही। वहीं बुधवार को परवाणु शिमला फोरलेन पर दिन भर आवाजाही बाधित होती रही। बद्दी पिंजोर मुख्य मार्ग पर बने पुल का एक पिलर टूटने से यह मार्ग बंद हो गया है। चंडीगढ़ के लिए वाहन वाया ढेरोवाल मार्ग से डाइवर्ट कर दिए गए। सुबाथू कुनिहार मार्ग पर थड़ी के समीप नाला आने से 2 कारें बहने से बची। सुबाथू के नया नगर और देवठी में भी 2 मकान ढह गए हैं। उधर मनाली चंडीगढ़, मंडी पठानकोट और जालंधर मंडी NH भी बंद हो गए हैं। जिला कांगड़ा के कोटला में भूस्खलन के चलते घरों में 1 फीट तक पानी तथा कीचड़ भर गया। 7 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, 30 घरों को खाली करवा दिया गया है। वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में गुरुवार को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। शुक्रवार से बारिश में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं भारी बारिश के बीच बुधवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी निवास ओक ओवर से ही अपडेट लेते रहे। सभी उपायुक्तों से पल पल की खबरें लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। चंबा विधानसभा क्षेत्र में भी 24 को सरकारी, निजी स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। भटियात उपमंडलाधिकारी ने अधिसूचना जारी की है। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी उपमंडल, इंदौरा, नगरोटा बगवा, कांगड़ा उपमंडल, जयसिंहपुर, धर्मशाला, बैजनाथ, शाहपुर, फतेहपुर, पालमपुर व धीरा उपमंडल में भी 24 को शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा शिमला, हमीरपुर, मंडी, सोलन में भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। HPU शिमला व सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की 24 को प्रस्तावित परीक्षाएं नहीं होंगी। वहीं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने सिरमौर जिला के समस्त सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों को 24 अगस्त 2023 को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। 122 साल बाद शिमला में 24 घंटों में 201 मिलीमीटर बरसे बादल, बारिश के बीच तेज गर्जना से रही दहशत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 122 साल बाद 24 घंटों में बादल फिर झमाझम बरसे। मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार रात 8 बजे तक शहर में 201 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पूर्व अगस्त 1901 में 24 घंटों के दौरान 227 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वर्ष 2019 में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। मंगलवार आधी रात को गर्जन के बीच हुई भारी बारिश ने शहरवासियों को डरा दिया। मंगलवार रात करीब 2 बजे शहर के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इस दौरान कई क्षेत्रों में लोग घरों से बाहर तक आ गए। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरते ही खुशी में झूमे लोग, CM ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतर गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हुई तबाही के बीच लोगों ने चंद्रयान 3 को लेकर खासा उत्साह दिखा। लोग विभिन्न माध्यमों से लैंडर की लैंडिंग को लेकर पल पल की जानकारी लेते रहे।
लोगों ने टीवी व मोबाइल फोन पर चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखी। कई लोग सफल लैंडिंग की उम्मीद के लिए टीवी से चिपके रहे। आखिरकार जब लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक उतरा तो लोग खुशी में झूम उठे। लोगों ने चेहरों पर मुस्कान के साथ तालियां बजाकर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की खुशी जाहिर की। मॉल रोड पर कई लोगों ने मिशन को टीवी शोरूम में लाइव देखा। भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में चंद्रयान 3 मिशन को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री बिहारी लाल समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी देखा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। सुक्खू ने कहा कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक और यादगार क्षण है। आज हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जलापूर्ति, बिजली और सड़क बहाली के लिए 165.22 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई अधोसंरचना की बहाली के लिए करीब 165 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को 74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को 14.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3.70 करोड़ रुपए तत्काल राहत देने तथा बागवानी व कृषि विभागों को क्रमवार 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को राहत देने और मरम्मत कार्यों के लिए सभी उपायुक्तों को 63.07 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हिमाचल में पांव पसार रहे जल जनित रोग, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में जल जनित रोग पांव पसारते जा रहे हैं। बीमारी की आशंका के चलते प्रदेश के अस्पतालों में 129 मरीजों के सैंपल लिए गए। इसमें 44 लोगों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई। इसके अलावा 217 लोगों की टाइफाइड को लेकर जांच की गई। इनमें 59 मरीजों में बीमारी के लक्षण पाए गए। हिमाचल में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे जल जनित रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को आसपास साफ सफाई और उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अलर्ट किया है। ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के टेस्ट कराने को कहा गया है। बाप ने बेटों के साथ मिलकर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, विशेष समुदाय के हैं आरोपी। हिमाचल के चंबा जिला में पिछले दिनों हुआ मनोहर हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। जिस विशेष समुदाय के लोगों ने मनोहर हत्याकांड को अंजाम दिया था, अब उसी विशेष समुदाय के लोगों ने एक और घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला है। यहाँ एक बाप ने अपने दो बेटों के साथ एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर दिया। किशोरी के साथ दुष्कर्म की यह घटना जंगल में हुई। मामला उपमंडल सलूणी के किहार पुलिस थाना से सामने आया है। पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस थाना किहार में दर्ज करवाई है और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। इसी दौरान उसे अकेला पाकर परवेज मोहम्मद ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पहले अश्लील हरकतें की और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इस दौरान उसके साथ उसके दो बेटे और एक अन्य युवक भी मौजूद था। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी परवेज मोहम्मद के बेटे जाकिर अली और इमरान ने भी उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इन तीनों के अलावा मौके पर मौजूद गांव के ही एक अन्य युवक तैयब ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद इन लोगों ने उनकी बेटी को यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम 4 के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। मामले की पुष्टि करते हुए SP चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दो लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सरकारी LPG सिलेंडरों में 31 किलो गैस की मिली चोरी, देवनी के ग्रामीणों की कोशिश लाई रंग। नाहन के देवनी के ग्रामीणों की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। खाद्य व आपूर्ति निगम ने स्वीकार किया है कि 24 में से 23 सिलेंडरों में 30 किलो 800 ग्राम गैस कम थी। केवल एक ही सिलेंडर में वजन पूरा पाया गया। मंगलवार रात 12 बजे तक निगम की टीम मौके पर ही ग्रामीणों को सप्लाई किए जा रहे सिलेंडरों का वजन तोलने में लगी रही। इस दौरान खुलासा हुआ कि सिलेंडरों में 500 ग्राम से 2.5 किलो तक गैस कम है। कुल 30 किलो 800 ग्राम गैस कम पाई गई।
चूंकि ये सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं दिए जा सकते, लिहाजा इसकी भरपाई भी ठेकेदार से ही करने की तैयारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम उस समय हंगामा हो गया जब ग्रामीणों ने मौके पर ही नाहन की ग्रामीण गैस एजेंसी से भेजे गए ट्रक को रोक लिया। इसमें 24 सिलेंडर लदे हुए थे। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि सिलेंडरों में कैसे और कहां गैस को निकाला जाता था। उधर मामले को शांत करवाने के लिए कालाम पुलिस के थाना प्रभारी को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। अब ये तय है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार का लाइसेंस रद्द हो सकता है, साथ ही अनुबंध भी रद्द किया जा सकता है। आज का सुविचार। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।